नमस्कार अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रिजवान खान है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है मुझे हार्ट्स के अंदर अभी और चार ब्लॉकेज निकला है डॉक्टर ने मुझे कहा है एनजियो करने के लिए ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ या फिर बाईपास भी करना पड़ सकता है मेरे गुरु का एक सपना था कि आप लोगों तक तंत्र को पहुंचाऊं उसी उम्मीद में मैं बस जी रहा हूँ कि आप लोगों तक किसी भी तरह अपनी तंत्र विद्या को बताऊँ ताकि आप लोग उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई और जगत कल्याण के लिए करें अब देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी वो कहाँ तक मुझे आप लोगों के साथ रखता है ये मेरे गुरु का क्या आदेश है ये ऊपर वाले की क्या मर्जी है ये तो वक्त ही बताएगा आज हम बात करेंगे कपाल फोड़ी की कपाल फोड़ी एक चमत्कारी आयुर्वेदिक और समस्त भूत प्रेत बाधा निवारण पौधा है इसके बीज में प्राकृतिक रूप से चमत्कारी शक्ति भरी हुई होती है ये पौधा आमतौर पर आपको सभी गांव, जंगल खेत खलिहानों बाग बगीचों में आमतौर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको ये पंसारी की दुकान में भी आप इसको बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर किसी भी ऑनलाइन स्टोर से कर सकते हैं इसके पत्ते गाजर मूली के पत्तों की तरह ही होते फल हरे हरे छोटे छोटे गुब्बारे की तरह फूले हुए होते हैं त्रिकोण आकार के फल होते हैं अगर आप इन फलों को हाथ में लेकर दबाएं, तो इसमें से हवा निकल जाएगी अंदर छोटे छोटे वटाने की आकार के हरे रंग के छोटे छोटे बीज आपको उसके अंदर फल आपको उसके अंदर मिलेंगे हरे रंग के छोटे आकार के ये फल एक फूल के अंदर यानी एक फल के अंदर आपको तीन मिलेंगे उसी तरह से आप जब उसको फोड़ोगे तो उसमें तीन बीज मिलेंगे यानी तीन आपको कपाल फोड़ी के फल छोटे छोटे उसमें से आपको मिलेंगे ये फल जब आप कच्चे अपने हाथ में लोगे तो आपको हरे और सूख जाने पर आपको ये काले रंग में दिखाई देंगे अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो काले रंग का फल होता है उसमें सफ़ेद रंग के दिल के आकार की आकृति बनी हुई होती है चिया आप जब उसको हाथ में लेकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा वाकई में उसमें दिल के आकार की आकृति बनी हुई होती जो के लिए बीमारी के लिए जादू टोने के लिए बाधाओं के लिए प्राकृतिक रूप से काम करती है अगर आप इनको जमीन पर पटकोगे तो पटाखों की तरह इसमें से आवाज आएगी अगर आप इन सात बीजों को या सात फलों को लेकर उसके ऊपर आयतल कुर्सी आजारी पैगंबर की सवारी काटा सांप बिच्छू को तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी पढ़कर अगर आप फूक दोगे या किसी के भी सर पर से उतार कर फेंक दोगे तो उसके शरीर के ऊपर से नजर टोना हाय बला सब निकल जाएगी अगर वो खाना नहीं खा रहा है बीमार है सूखता जा रहा है तो आप उसके सर पर उन बीजों को रखकर पैरों तक उतारिए और उसे सात बार उतारने के बाद आप उसे उसके पीछे की तरफ फेंक दीजिए बाद में वो बीज उठाकर आप कहीं भी बाहर फेंक सकते हैं उसका पूरा जादू समाप्त हो जाएगा इन सात बीजों को अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल किसी को वश में करना चाहते हैं तो इन सात बीजों का आप चूर्ण बना ले पीस कर पाउडर बना ले और उसको उस आने जाने वाली स्त्री या पुरुष के दरवाजे के आसपास डाल दे जिस पर उसका पैर पड़ना बहुत जरूरी है अगर उसका पैर उन बीजों के पाउडर पर पड़ गया तो ये आपके दोस्त बन जाएंगे या आपको चाहने लगेंगे और आपसे फिर से बात करना शुरू कर देंगे अगर आपकी बात उनसे बंद हो चुकी है लेकिन इसका मंत्र अलग है जब आप इसको पीसकर चूर्ण बनाए तब उस वक्त आपको इतना बोलना है श्री ओम नमो वश वश वशाम नमस्ते हाजिर हो ये आपको चूर्ण पीसते वक्त ही बोलना है उसके बाद आप उन चूर्ण को ले जाकर सामने वाले के दरवाजे के आसपास या उसके आने वाले जाने वाले रास्ते में डाल दे बस उसका पैर उस पर पड़ना चाहिए अगर आप इनके ग्यारह बीजों को किसी को भी किसी कार्य के लिए अगर पढ़कर आयतर कुर्सी आजादी दे दे तो वो जिस काम के लिए जा रहा है या आप जा रहे हैं अपने जेब में रख ले आपका वो काम संपूर्ण होगा ही होगा अगर आप इनके ग्यारह बीजों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति को काले कपड़े में बांधकर अगर दे दे उसके घर के अंदर लटकाने के लिए दरवाजे पर तो नजर जादू टोना ग्रह दोष बला भूत प्रेत सांप बिच्छू अजगर किड़े पतिंगे किया कराया जादू टोना वहां से चालीस कदम दूर भाग जाता है खुदा ने जब बनाया तो सोच समझ कर बनाया इन चीजों को और इन चीजों में वाकई में इतनी जान डाल दी है जो वाकई में चमत्कार के रूप में काम करता ही करता है जब उसने कुछ चीजों का बनाया होगा तो सोचो क्यों बनाया होगा कोई तो वजह होगी कभी तो काम आएगा जब तक आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे विश्वास नहीं करेंगे कोई भी चीज आपकी काम नहीं करेगी एक माला भी अगर आप पढ़कर अपने गले में पहनोगे तो वो माला आपकी रक्षा जरूर करेगा उन सामग्री जो मेरी वेबसाइट पर बिकेगी उसका पैसा सीधा सीधा सहारा हैंडीकेप फाउंडेशन ट्रस्ट को जाएगा जिससे किसी गरीब अपाहिज लाचार और लाइलाज बीमारी से लड़ रहे व्यक्ति की मदद हो जाएगी मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें स्वास्थ्य अगर मेरा साथ दिया तो मैं ऐसे और भी रहस्यमय चमत्कारी वीडियो बनाते हुए आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा जब तक के लिए नमस्कार खुदा हाफिज़